नमस्कार कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर महिलाओं को नहीं मिल पाता कृषि योजनाओं का लाभ बागवानी में भारत का है दूसरा नंबर प्रदेश सब्जी उत्पादन में है अव्वल तरबूज की खेती से पाए ज्यादा मुनाफा और मार्च महीने में जाने समसामिक कृषि कार्य अब कृषि समाचार विस्तार से महिला किसानों के पास भूमि का स्वामित्व न होने से कृषि योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता उत्तर प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े 70 से 80 फीसदी कार्यों का संचालन महिलाएं ही करती हैं और भूमि का स्वामित्व महज 6.5 फीसदी महिलाओं के पास है किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में खेती उपकरणों और संसाधनों में महिला किसानों की हिस्सेदारी मात्र 4 फीसदी है महिला किसानों के पास जोत न होने से मात्र चार फीसदी महिला किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है जानकारों के मुताबिक महिला किसानों के नाम प्रदेश में बहुत कम जमीन है जिसकी वजह से उनको खेती किसानी से जुड़ी स्कीमों का लाभ न के बराबर मिल पाता है उत्तर प्रदेश की केवल शून्य दशमलव छह फीसदी महिला किसान ही प्रशिक्षण कार्यों में भाग ले पाती है इससे उनमें तकनीकी ज्ञान नई योजनाओं और मंडी भाव की जानकारी भी नहीं रहती संस्था के अध्ययन के मुताबिक खेती से जुड़े कार्यों जैसे बीज की तैयारी में तिरासी फीसदी बुआई में बहत्तर फीसदी निराई में सत्तर फीसदी कटाई में बासठ फीसदी और अनाज भंडारण में छियासी फीसदी महिलाओं का योगदान रहता है पिछले दस वर्षों में बागवानी उत्पादन में चौरासी फीसदी बढ़त दर्ज की गई, जिससे देश में कुल बागवानी उत्पादन अनाज उत्पादन से आगे निकल गया कृषि मंत्रालय वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार बागवानी में आए इस उछाल का कारण है किसान का साल भर बागवानी फसलें उगा पाना जिसकी वजह से भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादन करने वाला देश बन गया है बागवानी छोटी जोत के किसानों के लिए अच्छी होती है क्योंकि कई फसलें घर के आसपास की छोटी जगह पर भी साल भर उगाई जा सकती है किसान भी अच्छे उत्पादन को देखते हुए बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं वजह साफ है शहरी क्षेत्रों में ताजे और स्वास्थ्यवर्धक खेती के उत्पादन की मांग लगातार बढ़ रही है जो अपने आप में समृद्धि को दर्शाती है जानकार बताते हैं कि बागवानी में उगाए जाने वाली फस्लें, नगदी फसलें होती हैं, जिससे किसान को अच्छा मुनाफा मिलता है फिर चाहे वो सब्जियों की खेती हो या फिर फूलों की खेती प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक करोड़ बासठ लाख टन सब्जी उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक प्रदेश है प्रदेश के उद्यान विभाग के निदेशक के मुताबिक बागवानी से छोटे किसान कम जमीन से छोटी अवधि की फसल ले सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल जाता है वहीं प्रदेश में कई बड़े किसान केले जैसी साल भर बाद फल देने वाली फसलें भी उगा रहे हैं दूसरी तरफ विदेश से बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आए युवाओं का रुझान बागवानी की तरफ लगातार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में केले की खेती तेजी से बढ़ी है खासकर तराई इलाके वाले उत्तरी क्षेत्रों में वहीं आलू के उत्पादन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा योगदान करता है और मटर उत्पादन जालौल में सबसे ज्यादा होता है इसके अलावा फूलों की उन्नत तकनीकी खेती में प्रदेश ने अच्छी तरक्की की है तरबूज की खेती शुरू करने के लिए यह सही समय है किसान तरावट देने वाले तरबूज की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं गर्मियों में इसकी मांग भी ज्यादा रहती है जिससे किसान भाई बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं तरबूज की खेती कई तरह की मिट्टी में की जाती है लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है खेत तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और बाद की जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें खेत को समतल कर ले जिससे पूरे खेत में पानी की खपत एक समान रहे किसान भाई इस मौसम में तरबूज की शुगर बेबी दुर्गापुर केसर अरका मानिक दुर्गापुर मीठा आदि किस्में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं खाद और उर्वरक की बात करें तो कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद दो किलोग्राम प्रत्येक नाली या थाले में डालें इसके अलावा पचास किलोग्राम यूरिया सैतालीस किलोग्राम डी तथा सड़सठ किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत में नालियों या थाले बनाते समय दें नाइट्रोजन की आधी मात्रा को दो बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में जड़ों से 30 से 40 सेंटीमीटर दूर गुड़ाई के समय और फिर 45 दिन बाद देना फसल के लिए अच्छा असरकारक साबित हो सकता है बुआई के समय की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तरबूज की बुआई फरवरी से अप्रैल के बीच एवं नदियों के किनारे इसकी बुआई नवंबर से जनवरी के बीच में की जाती है आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 25 फरवरी को फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक बुलाई गई थी इसमें प्रदेश भर के विभिन्न विभागों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया बैठक में किसानों के लिए फसल से जुड़ी कई सुझाव जारी किए गए जिनमें से अहम था आसमान साफ होने पर ही उर्वरकों और कीट व रोगनाशकों का छिड़काव ताकि वे वर्षा जल के साथ बह न जाए गेहूं की फसल के लिए किसान भाई याद रखें जनवरी में बोए गए गेहूं में टॉप ड्रेसिंग करें जिन स्थानों में वर्षा ना हुई हो वहां गेहूं के खेत में दरार पड़ने से पहले ही हल्की सिंचाई कर दें तेज हवा से फसल को गिरने से बचाने के लिए शाम के वक्त जब हवा मंद हो तो ही हल्की सिंचाई करें गेरुई तथा पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए थायोफिनेट मिथाइल 70 प्रतिशत डब्ल्यू पी की 700 ग्राम मात्रा की 2 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें सब्जियों की खेती के लिए प्याज को बैंगनी धब्बा रोग तथा थ्रिप्स कीट से बचाने के लिए मैंगोजेब शून्य तथा डाईमिथोट का छिड़काव करें भिंडी की खेती के लिए खेत को तैयार कर बीजों की 45 गुना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें बोने से 24 घंटे पहले बीज को पानी में भिगोएं। आखिरी जुताई के समय उर्वरकों का प्रयोग करें ग्रीष्मकालीन बैंगन टमाटर एवं मिर्च हेतु खेत की तैयारी कर 60 गुना 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध की रोपाई करें मार्च के समसामयिक कृषि कार्यों की बात करें तो इस महीने चने और अलसी की फसल काट कर खेत को अगली फसल के लिए तैयार करें चारे के लिए ज्वार व लोबिया की मिश्रित बोनी करें गन्ने में जरूरत के मुताबिक पानी दें आलू की खुदाई कर लें जो सब्जियां तैयार हैं उनकी सामयिक तोड़ाई भी करते चलें। ग्रीष्मकाल के सब्जियों में कद्दू लौकी भिंडी मूली आदि सब्जियों की बुआई कर लें गर्मी के मौसम में पशुओं की पाचन प्रणाली और दूध उत्पादन क्षमता पर उल्टा प्रभाव पड़ता है इस मौसम में नवजात पशुओं की देखभाल में अपनाई गई तनिक से भी असावधानी उनकी भविष्य की शारीरिक वृद्धि स्वास्थ्य रोग प्रतिरोधी क्षमता और उत्पादन क्षमता पर स्थायी कुप्रभाव डाल सकती है गर्मी के मौसम में ध्यान न देने पर पशु के सूखा चारा खाने की मात्रा में 10 से 30 प्रतिशत और दूध उत्पादन क्षमता में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है साथ ही साथ अधिक गर्मी के कारण पैदा हुए ऑक्सीकरण तनाव की वजह से पशुओं की बीमारियों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है और आगे आने वाले बरसात के मौसम में वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो सकते हैं नवजात पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए पशु आवास के सामने की ओर खस या जूट के बोरे का पर्दा लटकाने की व्यवस्था कर लें गर्मी के मौसम में पशु प्रसव के दौरान नवजात बच्चे का खास ख्याल रखें जैसे नवजात बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी नाक और मुंह से सारा म्यूकस यानी लेझा बेझा बाहर निकाल दें यदि बच्चे को सांस लेने में अधिक दिक्कत हो तो उसके मुंह से मुंह लगाकर श्वसन प्रक्रिया को ठीक से काम करने देने में सहायता पहुंचाए नवजात बछड़े को जन्म के आधे घंटे के भीतर मां के अयन का पहला स्त्राव जिसे खीस कहते हैं पिलाना बेहद जरूरी होता है यह खीस बच्चे के भीतर बीमारियों से लड़ने की क्षमता के विकास में मदद करता है इसके अलावा पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें, पशुओं के पीने के पानी को छाया में रखें पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें यदि संभव हो तो ठंडा पानी पिलाएं। गर्मी में तीन से चार बार पशुओं को ताजा ठंडा पानी जरूर पिलाना चाहिए भैंसों को गर्मी में तीन से चार बार और गायों को कम से कम दो बार नहलाना चाहिए किसान भाइयों आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की आगरा की मंडी में एक हजार अलीगढ़ की मंडी में एक हजार इटावा की मंडी में एक हजार रुपए और लखनऊ की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा चावल की बात करें तो आगरा की मंडी में दो हजार अलीगढ़ की मंडी में दो हजार रुपए इटावा की मंडी में दो हजार रुपये और लखनऊ की मंडी में दो हजार रुपये प्रति क्विंटल रहा इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नज़र डालें तो आगरा की मंडी में तीन हजार रुपये अलीगढ़ की मंडी में तीन हजार रुपये इटावा की मंडी में तीन हजार रुपये और लखनऊ की मंडी में तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल रहा आलू की कीमतों पर नज़र डालें तो आगरा की मंडी में छः सौ रुपये अलीगढ़ की मंडी में भी छः सौ इटावा की मंडी में छः सौ और लखनऊ की मंडी में छः सौ प्रति क्विंटल रहा अब एक नज़र टमाटर की कीमतों पर भी आगरा की मंडी में एक हज़ार अलीगढ़ की मंडी में एक हजार इटावा की मंडी में एक हजार और लखनऊ की मंडी में एक हजार प्रति क्विंटल रहा तो ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति नमस्कार तो, और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जाँच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कारण मेरे लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ शामू भैया सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा आखिर यहाँ बारिश तीन गुना होती है चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं अरे वाह आ गए नमस्ते सरपंच जी हाँ भाई उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नल को और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या भरपूर मदद जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह एक हजार हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूँ के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं फिर तो हमारे खेत में लहला उठेंगे क्या ये सपना सच होगा हाँ जरूर पूर्वी भारत और हरित क्रांति का अग्रदूत होगा और हम सब मिलकर कदम बढ़ाए खुशबू की त्योहार में बहार में तरक्की के तानों में खिलती मुस्कानों में हरे भरे पौधों में बड़े बडे में, मधुर भिन्नाहट में खुशियों की आहट में बागबानी विषय में हमारी चाहत आपकी हाँ की मुस्कुराहट नमस्कार कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि हमेशा हम आपसे कहते आए हैं कि समय के अनुसार हम आपको जानकारी देते रहेंगे तो अपने उसी वादे को निभाते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे गन्ने की खेती में सामयिक कार्यों के बारे में और जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से प्रसार अधिकारी डॉक्टर चौहान को डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आ, इस समय सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि गन्ने की खेती में इस समय कौन कौन से कार्य अपेक्षित हैं जो किसान भाइयों को कर लेने चाहिए हाँ ये किसान भाइयों का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है इसमें गन्ना के इस समय बुवाई का कार्यक्रम चल रहा है जी दूसरा जिन किसान भाइयों की अभी पर्चियाँ बाकी हैं गन्ना खड़ा हुआ है वो चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति कर रहे हैं जी तीसरा जो किसान भाई शरतकाल में गन्ना बोए हैं उसमें बीच में अंतः फसल लिए हैं उसकी खुदाई कटाई का काम शुरू हो रहा है और जो किसान भाई गन्ने के खेतों में पेड़ ही रखना चाहते हैं विशेष रूप से उसमें प्रबंधन की विशेष आवश्यकता है तो ये गन्ना में सामायिक कार्यों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण समय है तो किसान भाई इस समय गन्ना बुवाई में विशेष तौर से ज़्यादा बिजी हैं गन्ना आपूर्ति में ज़्यादा बिजी हैं और प्रायः है जो गन्ने की शरदकालीन खेती है उसमें कुछ फसलें हैं जैसे आलू है या लहसुन है ये सब फसलें लगभग पक चुकी हैं पकने के कगार पे हैं जी। तो किसान भाई उनकी खुदाई कटाई में बिजी हैं और कुछ समय बाद गेहूँ की फसल भी पक जाएगी तो उसको भी जो अंत्य फसल के रूप में बो रखी है उसे भी कटाई करेंगे तो इस तरह से किसान भाई व्यस्त कार्यक्रम में है तो मुख्य तौर से काफी लंबी सूची है हाँ तो गन्ना बुवाई जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य है जी, क्योंकि जो आग, अगले वर्ष में गन्ने का उत्पादन होना है वो पूर्ण रूपेण बुवाई के ऊपर निर्भर करता है तो किसान भाई जो बुवाई कर रहे हैं उसमें सावधानी रखने की मुख्यतः आवश्यकता है पहली बात आती है खेत की तैयारी किसान भाई गन्ना की खेत के लिए गहरी जुताई करना ना भूलें बीज का एक सिद्धांत होता है नियम होता है कि जिस गहराई पर हम किसी बीज को बोते हैं उससे जितना ऊपर जुता होता है उतना ही कम नीचे भी जुता होना चाहिए तो ये ध्यान रखने की विशेष तौर से आवश्यकता है कि गन्ना हम किस गहराई पर बो रहे हैं उससे ऊपर कितना जुता है और नीचे कितना जुता है तो ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है प्राय किसान भाई गन्ने की जुताई की खेतों की जुताई उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते और गन्ना आगे चल करके गिरने की संभावनाएँ रहती हैं जी डॉक्टर साहब ये तो हो गई बुवाई की बात Uh, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक ये भी उठता है कि गन्ने की कटाई किस तरह से की जाए ताकि हम uh, किसान भाइयों को पूरा पूरा लाभ उसका मिल सके तो आप हमें थोड़ा सा नहीं, इसके बुवाई की जो बात है उसमें और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जी जैसे बीज का चयन है प्रजातियों का चयन है आ, हर प्रजाति हर खेत के लिए उपयुक्त नहीं होती है तो जो अच्छे के खेत हैं हमारे उनमें सभी प्रजातियां हो जाती हैं लेकिन जो नीचे के खेत हैं उनमें विशेष तौर से छियानवे चार सौ छत्तीस और यूपी पिचानवे तीस दो प्रजातिया जल भराव की दशा के लिए अच्छी है जी। और सामान्य दशा के लिए जो भी किसान भाइयों के पास बीज है चीनी मिलें उपयुक्त समझती हैं उन प्रजातियों को अगेती और सामान्य का 40-60 के अनुपात में बुआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लाभ चीनी मिले और किसानों को मिलेगा जी। दूसरा प्रमुख ध्यान रखने की बात यह है कि गन्ने की जो बिजाई है उसमें प्राय किसान भाई गन्ने के दो के टुकड़े न बो कर के बड़े टुकड़े बोते हैं या टुकड़े कटाई में ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी खेतों में ले जा करके ऐसे ही कूड़ों में गन्ने डाल करके कटाई कर देते हैं जिससे जमाव प्रभावित होता है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जमाव हमारा कैसे बढ़े और वो तभी संभव है जब किसान भाई दो आँख का टुकड़ा एक मीटर में दस से बारह आँखें प्रति मीटर के हिसाब से चार पाँच से छः टुकड़े प्रति मीटर के हिसाब से गन्ने की बुआई करेंगे लाइनों में तो उनका बीज अच्छा पड़ेगा जिन प्रजातियों में पतले गन्ने होते हैं उनके कम बीज की आवश्यकता होती है चार या पाँच टुकड़े की आवश्यकता होती है एक मीटर में और जो मोटी नस्ल के गन्ने हैं मोटी किस्म के गन्ने हैं उनके बीज की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें फुटाव कम होता है जी। और लाइन से लाइन की दूरी का जहाँ तक सवाल है तो जो बारीक गन्ने हैं मध्यम मोटे गन्ने हैं उनको हमेशा तीन फिट की दूरी पर बोना चाहिए और जो मध्यम मोटे गन्ने हैं या मोटे गन्ने हैं जिनमें फुटाव ब्यांध की संभावनाएँ कम रहती हैं उनको ढाई फिट या पचहत्तर सेंटीमीटर पर किसान भाई बोकर के अच्छा उत्पादन ले सकते हैं प्रायः बीज में किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं तो बीज में विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है गन्ने में कम उम्र का बीज ज़्यादा अच्छा जमाव यहाँ लेता है तो ये मान के चल चला जाता है किसान भाई जानते भी हैं कि ऊपर का गन्ना आधा या आधे से ऊपर का गन्ना बोते हैं तो उसका जमाव ज़्यादा होता है लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है तो किसान भाइयों को चाहिए कि बीज काटने से पहले जिस खेत से बीज लेना है उस उस बीज काटने से पहले उसमें सिंचाई करें और सिंचाई के हिसाब से ही सात किलो दस किलो यूरिया फी बीघा की दर से अगर किसान भाई कूड़ों में डाल देंगे तो बीज अच्छी तरह जम जाए जो पका हुआ बीज है उमड़दार बीज है उसमें चीनी का परता मिठास कम हो जाएगी और वो ऐसे गन्ने को काट करके बोएंगे तो जमाव प्रतिशतता बढ़ेगी जी। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है दूसरा गन्ने के बीज में अच्छे गन्नों की छटाई की विशेष आवश्यकता है जो खराब गन्ने हैं उनको निकाल देना चाहिए जो पतले गन्ने हैं उनको निकाल देना चाहिए अगर किसी गन्ने के टुकड़े में आँखें अंकुरित हो रही हैं तो उनको मैं समझ लें कि इसमें कोई ना कोई बीमारी है और ऐसे अंकुर दे निकाल देना चाहिए उसमें ग्रासी सूट या जीएसडी घास रोग के नाम से किसान भाई जानते हैं उसमें उस बीमारी भी, के लक्षण हो सकते हैं तो ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है बीज की छटनी में बीज के चयन में बीज के टुकड़े कटाई में अगर किसान भाई इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो जमाव बढ़ेगा जमाव बढ़ेगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये बीज के साथ साथ कुछ उर्वरक प्रबंधन पर भी बुआई के समय विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है किसान भाइयों को एक एकड़ में 50 किलो यूरिया और 200 किलोग्राम सिंगल सुपरफासपेट और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास एम ओ पी बोलते हैं जी। इसको अगर डालेंगे तो किसानों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अब मृदा परीक्षणों के आधार पर ये देखा गया है कि हमारी जो प्रदेश की जमीन है भूम है उसमें ज़्यादातर सल्फर की भी कमी देखी गई है तो अगर किसान भाई गन्ना बुवाई के समय डी या अन्य खादों की जगह पे अगर सिंगल सुपर सुपरफ्रेस्ट का प्रयोग करते हैं तो सल्फर की पूर्ति अपने आप पूरी हो जाती है एक ही खाद से दोनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है जी, जी। और खाद को इस तरह से डालें खाद डालने वाला व्यक्ति या मजदूर कूड़ों में हल्का सा पैर मारती हुए चला चल जिससे वो खाद मिट्टी में कुछ मिल जाता है मिल जाता है। अगर टुकड़े के ऊपर गन्ने की आँख के ऊपर भी खाद डाल देते हैं किसान भाई तो नमी पा जब वो घुलता है तो आँख को गला देता है और जमाव हमारा किसान भाइयों का कम हो जाता है ये विशेष तौर से ध्यान उर्वरक प्रबंधन बुआई के समय करने की आवश्यकता है खाद को नीचे डालें उसके ऊपर से गन्नों की बुवाई टुकड़ों की बुआई पर प्रति मीटर के हिसाब से चार से छः टुकड़े प्रति मीटर के हिसाब से समायोजित करें बुआई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर टुकड़े के ऊपर डाल देते हैं तो जिस तरह से आ, हमारे किसान भाई खेतों में काम करते हैं बालों में सर में पसीना आता है पसीना की एक दो बूंद आँख में आ जाती है और आँख को नुकसान होता है ठीक उसी प्रकार से जब किसी भी बीज के ऊपर यूरिया डी ए पी या नत्रजन युक्त उर्वरक पड़ जाता है डाल देते हैं तो नमी पाक जब घुलता है तो बीज को खराब कर देता है जी। ये विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है बुवाई में कुछ किसान भाई दवा भी खाद में मिला लेते हैं ऐसा ना करें दवा और खाद दोनों को अलग अलग बोएं पहले खाद लगाएं फिर बीज बोएं उसके ऊपर से दवा डाल करके हल्की सी मिट्टी से ढकाई कर दें इस तरह से बुवाई संपन्न हो जाती है और जो किसान भाई शरतकाल में गन्ना बो रखे हैं उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो अंत फसल ले रखी है उसकी परिपक्वता के हिसाब से उसकी समय से खुदाई करें और खुदाई के बाद कटाई के बाद किसान भाई जो फसल है उसमें उर्वरक प्रबंधन और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जी। तीसरी बात आती है गन्ना कटाई जो किसान भाई गन्ने की इस समय कटाई कर रहे हैं चीनी मिलों को आपूर्ति कर रहे हैं प्राय देखा जा रहा है साफ़ सुथरा गन्ना चीनी मिलों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं जिससे चीनी मिलों में जो चीनी का पड़ता है वो प्रभावित हो रहा है साथ ही कभी कभी ऐसा होता है मजदूर गन्ने की कटाई ऊंची जमीन से ऊंचा कर देते हैं जिससे करीब एक या दो इंच टुकड़ा ऊपर भी रह जाता है ज़मीन के ऊपर तो उसमें चीनी की मात्रा या प्रतिशतता ज़्यादा होती है ऐसा करने से किसान भाइयों का उत्पादन घटता है चीनी मिल की रिकवरी प्रभावित होती है तो गन्ना कटाई के समय विशेष तौर से उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जमीन के सतह से या जमीन के थोड़ा सा अंदर से काट। अगर कटाई करेंगे तो चीनी मिल को फायदा होगा उनके वजन में इजाफा तो होगा हो हो और इससे सबसे बड़ा फायदा होता है किसान भाइयों की पेढ़ी जो है वो अच्छा फुटाव लेगी किसान भाइयों ने प्राय देखा होगा कि गन्ने जमीन के ऊपर से अगर एक इंच या दो इंच ऊपर ठूंठ से के रूप में कट जाता है तो उसमें एक दो आँख होती है और सबसे पहले वही आँख फुटाव लेती है और जब तक वो सूख सूखती नहीं है तब तक दूसरी आँख जो है वो फुटाव नहीं लेने देती है तो ऐसा करने से ऊँचा काटने से उनकी पेड़ी में उत्पादन घटता है पेड़ी फुटाव प्रभावित होता है तो किसान भाइयों को इस समय गन्ना कटाई के समय विशेष तौर से सावधानी रखने की आवश्यकता है साहब बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी है और आपने स्टूडियो में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी डॉक्टर साहब ने इस समय दी है आप बिल्कुल वैसा ही करके उनके सुझावों के अनुसार उनके निर्देशों को मानते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा और आपका आर्थिक लाभ भी होगा आगे के कार्यक्रम में भी हम आपको इसी प्रकार की अच्छी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार